हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण फ्रॉम एपिडायरेक्ट और आज मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं पहली बार लोबा सुबनसिरी आइडल में जो कि आयोजित हो रहा है यचोली सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन इससे पहले यानी 5 तारीख को कल दीद और पिस्ताना में ऑडिशन ऑलरेडी हो चुका है जो कि ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे लाइव होगा, ओपन माइक ऑडिशन होगा, जिसका खबर आज मैं आपको लगातार देता रहूँगा। और उसके बाद हम जजेस से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से ऑडिशन को जज करेंगे, वो क्या चाहते हैं कंटेस्टेंट से, और प्लस यहाँ जो कमेटी है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाहते हैं इसके द्वारा, उन सब की खबर मैं आज आप लोगों को देते रहूँगा। प्लस हम बाहर कंटेस्टेंट से भी बात करेंगे, उनके साथ भी हम लाइव बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और उनका सपना क्या है आगे बढ़ के, क्या करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आगे। दो चीज में बहुत खराब जा रहा है कि प्रोनाउंसिएशन को तो हम लोग मुले सो लोकल नहीं हम तो अनामा चम्मच करना बोले कम मुले ने तो प्रोनाउंसिएशन में तो थोड़ा मार खाता है, वो तो ये नहीं है उसको, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, रेज नहीं होता है। जो रेज है ना, कि जैसे समझ दो आप अभी क्या हुआ तेरा बार अंदर में गा रहे हैं ना, अंदर में नहीं मत गाऊँ गाना को, ठीक है? अब थ्रो करो, फोकस करो, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, ये मतलब ट्रो करना है पिक्को गाना को, उसको एक बार ट्राई करके देखो तो अभी का वाला को फिर। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, बोलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का। चलो ओके, नम मुल काम सुनने में तोला मुल ट्रैक जीता है अपना, ये म्यूजिक देगा आपका, आप खुद ट्रैक लेके आएगा तो वो ट्रैक को वहाँ में आप तो वहाँ हम लोग साउंड से खेल के देखेगा, वहाँ हम लोग साउंड बॉक्स, यहाँ तो अभी ड्राई है तो वहाँ हम लोग साउंड में सुन के देखेगा। नम बेगा हो क्वालिफाइड मत सो, नो अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन, टाइम भी है मूल मेगा का 26 को है, सो के नवंबर 26 को है, तो वो समय होने का कारण लोग आवाज़ को हम पसंद लगाया, तो इसलिए हम मेगा में नम ट्रायल करा रहे हैं। हाँ, नम और एक बार वहाँ ट्रायल करेगा और उसमें हम देखेगा एग्जैक्टली, ठीक है? हम आपका मेगा का सिलेक्शन ना सुई के नोक पे रखे हुआ है। हाँ, मतलब आप ऐसे ऐसे हो रहे थे, ठीक है? हम दोनों ने बहुत एक रिक्स लिया टाइप का है, तो उम्मीद है कि आप हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा मेगा में, तो आप अच्छा से प्रिपरेशन करके आइए। 116 जैसा सर ने कहा था कि खुल के गाइए, आप अंदर से गा रहा था ऐसा, ओपन अप होइए और अच्छा प्रैक्टिस करिए, ठीक है? तेरा देखे तो जो बोलूं से जिस दिन तुम्हें मिलूं, दिल ये दुआ
रखेगी तुझे घावों में हमेशा हर दम हर पल हर सब हमदम हमदम नमः जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना हाँ हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे उड़ले उड़ले यू युड़ले युड़ले यू युड़ले युड़ले यू युड़ले युड़ले यू अरे ती उड़ले ली 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 अरे ती युड़ले युड़ले चांद तारों से चलन से नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं शायद कभी न कह सकूँ मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए ये बताइए मेरा नाम तो कोयामा है और मैं तालो से आई हूँ और लेकिन लेकिन अभी यजाली पे हूँ बहुत अच्छा लगा है बोला हुआ चीज़ था हमको वही सुनना था चीज़ ना कि मेरा गलती क्या है क्या नहीं है वो चीज़ आज सर बताए बहुत अच्छा लगा एडवाइस दिया है ताकि इसको हम लेके नेक्स्ट में अगर इस बार भी नहीं होता है नेक्स्ट बार आके बहुत अच्छा से हम ट्राई करके फिर एक बार देने के लिए ऑडिशन कैसा रहा आपका आज ऑडिशन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन सर ने बोला है थोड़ा सीखा और ना इससे पहले कभी कहीं आपने ऑडिशन किया नहीं नहीं आज फर्स्ट टाइम मैं ऑडिशन करने अच्छा बच्चे तीन बच्चा का माँ हूँ और ये ऑडिशन से हम सबसे माँ जैसा हूँ ऑडिशन गया कैसे बहुत अच्छा था पर ज्यादा नर्वसनेस हो गया था अच्छा पर ठीक था तो दर्शकों इस वक्त मैं खड़ा हूँ आज के जो लोअर सुबनसिरी आइडल के जो मुख्य जज हैं श्री नीलम पोप सर जी जो खुद एक बहुत ही जाने माने लेजेंडरी सिंगर है तो सबसे मैं पहले मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि आज का ऑडिशन उनके नज़रे में कैसा रहा और फिलहाल ऑडिशन तो बहुत ही फर्स्ट क्लास गया है आज सेकेंड डे है ये सेकेंड डे हमारे यचुली हाई सेकेंडरी स्कूल सॉरी इट्स सेकेंडरी ना सेकेंडरी स्कूल में हम लोग अभी फिलहाल ख़त्म हो चुका है तो ऑडिशन तो बेस्ट रहा तो मैं मुख्य जज का सिर्फ नहीं बल्कि ये लोअर सुबनसिरी आइडल सीजन वन का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी हूँ तो मेगा ऑडिशन के लिए हम लोग दूसरा सब आ जाएगा अलग अलग तो मैं खुद ही बस्ती बस्ती में सर्कल सर्कल में जाके ये आज सेकेंड डे है तो कल 7 को जीरो हापोली में होगा 7 और 8 को तो मेन हम लोग का मोटो है बस अच्छा सिंगर ढूंढना रॉयल आइडल ढूंढना ढूंढ के हम लोग अब तो मेगा तक पहुंचाने के लिए यही कोशिश में और आज अच्छा खासा और बहुत बढ़िया टैलेंटेड कुछ पर्सनलिटीज मिला है थैंक यू और एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो आज के जो कंटेस्टेंट थे उसके अंदर आप कौन से कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी क्योंकि रिप्रेजेंट करने वाले हैं आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे थे एग्जैक्टली हम लोग ये लोअर सुबनसिरी आइडल सपोर्टेड बाय डायरेक्टली हम लोग टच है अरुणाचल आइडल का साथ में और अरुणाचल आइडल आप लोग को तो पता है अरुणाचल आइडल जो डायरेक्टली फिर इंडियन आइडल का साथ टच है तो हम लोग मेन मोटो है हम लोग ज़्यादा भाग हम लोग यहाँ 2 ट्राइब्स का है लोअर सुबनसिरी में पहले 3 ट्राइब्स था बल्कि एक गालो जाट भी था वो कामले में अभी बस गया है तो अभी हम लोग लोअर सुबनसिरी मेनली 2 ब्रदर है इस निशी और आपातनी तो निशी और आपातनी में स्पेशल इसलिए हम लोग लोकल को 20% उसके बाद हम लोग बॉलीवुड जो हिंदी है तो उसको हम लोग 80% रख रहा है और एक सवाल सर आप बुरा ना माने तो ये जो लोअर सुबनसिरी आइडल है तो लोअर सुबनसिरी में सिर्फ हमारे 2 ब्रदर्स ट्राइब नहीं रहते हैं तो क्या ये ओपन टू ऑल है व्हाट आई मीन टू से इसके नॉन ट्राइबल ये भी क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या नहीं 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 नॉन ट्राइबल यहाँ नहीं होगा स्पेशली जो हम लोग यहाँ में जो ट्राइबल है यही होगा तो नॉन ट्रैवल को हम लोग अरुणाचल आइडल में भी
वहाँ में भी अभी हम लोग इतना जल्दीबाजी नहीं दिया है, तो लोअर सुबनसिरी आइडल में भी हम लोग स्पेशली आज निश्चित और पता नहीं होगा। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग कमेटी है, उनके बारे में कुछ बताइए। वर्किंग कमेटी में हम लोग कम्प्लीटली वॉल, जैसे यचुली सर्कल से भी है, यजली सर्कल से भी है, डीद से भी है और पिस्तना से भी है। तो उसका बाद में हम लोग का जीरो हाफ पोली वहाँ में सब है, अपातनी और निशिस दोनों मिक्स अप है। हाँ तो सर, आपके बगल में भी दो खड़े हैं, तो क्या आप काइंडली इंट्रोड्यूस कीजिए उनको कि ये हमारा जोरम का है, इसका नाम है जोरम तुदा, तो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है। और मेरा लेफ्ट साइड में है खुदा रॉबिन, ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये अपातनी से बिलोंग करता है और ये निशी से बिलोंग करता है। और भाई ये खुदा रॉबिन आज अभी हम लोग को बताएंगे हम लोग का एग्जैक्टली टीम्स और हम लोग का मोटो। थैंक यू। अच्छा तो खुदा रॉबिन जी, क्या है मतलब टारगेट क्या है आपका, इन फ्यूचर का करना क्या चाहते हैं ये लोअर सुबनसिरी आइडल? क्या एक सिर्फ एक सिंगर ढूंढ रहे हैं या फिर इसके आगे भी आपका कुछ मोटिव है या कुछ है पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक एपी डायरेक्ट फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल्सो फॉर बीइंग द पार्टनर ऑफ दिस लोअर सुबनसिरी आइडल। एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे आज तो मैं यहाँ तो सर ने तो जज किया है तो मैं यहाँ देख के बेहतर आता, तो आई एम रियली शॉक्ड कि इतना उभरता, इतना यंगस्टर्स, इतना टैलेंटेड सिंगर्स लोग आया हुआ है। सो इट्स काइंड ऑफ टफ टू जज देम कि मैं किसको सेलेक्ट करेगा। फॉर दैट अच्छी ने बहुत अच्छी तरह से जज किया है। और इस बार ये लोअर सुबनसिरी आइडल भी हमारा फर्स्ट एवर हो रहा है, तो इस मौका को भी जितना ऑडियंस है, पब्लिक वगैरह यहाँ का, जो स्पेशली जो लोअर सुबनसिरी का डेंजिन्स है, उसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। सॉर्ट ऑफ टाइम मैंने समटाइम्स होता क्या है कि टैलेंटेड सिंगर्स बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों को एक प्रॉपर एक चैनल, एक कोई प्रॉपर ये जरिया नहीं मिलता है उन लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। सो दिस इज़ द राइट फील्ड आई थिंक फॉर मी टू शो योर टैलेंट। सो ऐसा ही है। और मोर ओवर ये शो का चलते हम लोग का एक टीम भी है एम्पावरमेंट का रिगार्डिंग, ऑल्सो साथ ही साथ हम लोग ड्रग का अवेयरनेस भी साथ में हम लोग देता है और जेंडर इक्वलिटी के हिसाब में भी हम लोग सबको हाईलाइट करा के जाता है। वैसा करके हम लोग का टीम्स तो बहुत लंबा है। आई थिंक आप लोग कोई बैनर वगैरह में भी आप लोग दिखा होगा, आप लोग जान जाएगा। सो आई थिंक सब ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे इसी बारे में? सर एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन, आप अभी ऑडिशन तो ये सेकंड है, इससे पहले जैसे मैंने भी पहले भी कहा है कि ऑनलाइन ऑडिशन भी हुआ था दीद और ये पिस्ताना में, सॉरी। तो अभी ऑडिशन तो शुरुआत ही है, ये फर्स्ट स्टेज है, आपका कोई एडवाइस जो आने वाले कंटेस्टेंट है उनको कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? वही है, स्पेशली जो कंटेस्टेंट जो हम लोग को फॉर्म दे के फिलअप करके रखा हुआ है, तो कल 7 तारीख को हापोली में होगा और हापोली में आरके रिवोल्यूशन, वो भी मेरा हम लोग का पार्टनर है, उसका हॉल में होगा। तो उसके बाद उसमें 7 और 8 और कैपिटल में ये 12 को होगा, 12 तारीख को। तो कैपिटल में होने के बाद उसके बाद हम लोग का मेगा ऑडिशन ये 26 को होगा, ये नवंबर का 26। उसका बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से हम लोग का एलिमिनेशन राउंड डायरेक्टली शुरू होगा और हम लोग जितना हो सकेगा दिसंबर 28 तक हम लोग ग्रैंड फिनाले करने के लिए कोशिश करेगा। और हर चीज़ एवरीथिंग हम लोग को प्रिपरेशन कर चुका है। और मैं स्पेशली कंटेस्टेंट लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ये समझ जाइए कि हिंदी यानी कि बॉलीवुड में 80% होगा, उसके बाद 20% हमारा अपना लोकल। आप अपातनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपातनी ही गाओ, आप निशी गा सकता है, सरडुकपेन गा सकता है, मोम्बा गा सकता है, अरुणाचल का कोई भी ट्राइब, 26 मेजर ट्राइब्स है उसका कोई भी गाना गा सकता है, 100+ सब ट्राइब्स है उसका कोई भी, आप अरुणाचली सॉन्ग होने से हो गया उसका 20% आप लोग उसको भी प्रिपरेशन में रखना है। तो हम लोग ज़्यादा भाग 80% हम लोग हिंदी को हम लोग ढूंढ रहे हैं इस बार। थैंक यू। सर इसमें और एक एडन करना चाहता हूँ, मैं बाहर खड़ा था, ये कंटेस्टेंट से मैं ये इंटरव्यू ले रहा था, तो उनके बीच में उन गुसुर पुसुर में मैंने सुना कि क्या क्रिश्चियन सॉन्ग्स अलाउड है, क्योंकि उसमें भी हिंदी भी होगा, लोकल भी होगा, क्या ये अलाउड है? आप अगर क्लियरफाई कर दें तो, ये मैं कंटेस्टेंट के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, हम लोग जो रिलीजन है ना, रिलीजन का जो जैसे हम लोग का क्रिश्चियन में गॉस्पेल होता है और
किसी का एग्जैक्टली रिलीजन का ही वो सॉन्ग को हम लोग इस बार नहीं देगा, तो उसको हम लोग वहाँ में रेजुलेशन में नहीं है वो वाला, तो कम्प्लीटली बॉलीवुड। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, आई थिंक वही आप कहना चाहते हैं, तो थैंक यू। तो दर्शकों, आज आपने देखा लोअर सुबनसिरी आइडल का पहले सीजन का दूसरा ऑडिशन। मैंने आप सबको पहले भी बताया कि इसका पहला ऑडिशन दीद और पिस्ताना का ऑनलाइन हो चुका है कल, और इसके आगे जो ऑडिशन होने वाला है वो कल से जीरो यानी हापोली में शुरू होगा। तो जितने पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट जो इंटरेस्टेड है वो कल से वहाँ आके अपना ऑडिशन दे सकते हैं। और आज का जो ऑडिशन था याचुली का, वो बहुत ही बेहतरीन गया। बहुत सारे लोग आए, कुछ स्टूडेंट आए, हाउसवाइफ्स आए, पब्लिक सर्वेंट भी आए, सब ने अपना अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। और इसी तरह से जिस तरह से आज का पल पल का खबर आपको पहुंचाया एपी डायरेक्ट ने, इसी तरह से लोअर सुबनसिरी आइडल के पल पल का खबर आप तक पहुंचाता रहेगा एपी डायरेक्ट। तो आप एपी डायरेक्ट के साथ लगे रहिए। कैमरामैन रिका के साथ मैं अरुण, धन्यवाद।